हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अगर आप लोग मल्टीपल फीचर्स वाला स्पीकर वगैरह ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाए, सोलर चार्जिंग टॉर्च वगैरह देखने के लिए मिल जाए, प्राइसिंग बहुत कम हो 500-600 रुपये, तो ये है दोस्तों सोलर चार्जिंग वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जिसमें LED टॉर्च वगैरह भी आता है। तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, प्राइसिंग और फीचर्स वगैरह बताऊंगा। प्राइसिंग तो आपको बता ही चुका हूँ, 500-600 रुपये के आसपास मिलता है। तो A to Z डिटेल्स वगैरह बताऊंगा, अरे बताऊंगा क्या इसको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चले फिर दोस्तों आगे बढ़े, फिर बता दूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह, काफ़ी मल्टीपल फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसे बेल आइकन पर उसे अवेलेबल हो रख कर लेना। चलिए फिर दोस्तों बात करो स्पीकर का, तो यहाँ पे आपको रियूनिक्स का ब्रांडिंग रखी गई, RX1042 की ब्रांडिंग रखी गई है, जिसका मॉडल नंबर है। देखने में दोस्तों बॉक्स पैकिंग तो काफ़ी सही सी लग रही है, जहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह काफ़ी सारे मेंशन वगैरह किए गए। ग्रीन कलर का बॉक्स पैकिंग है, यहाँ पे आपको स्टीरियो BT स्पीकर की ब्रांडिंग की गई है। तो फटाफट ओपन करते, देर न करते इसको ओपन वगैरह करते बॉक्स पैकिंग को, और देखते हैं कैसे किस तरीके से वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले रखा मिल जाता है दोस्तों, हुक वगैरह मिल जाता है जिसको इसमें अटैच वगैरह कर सकते हैं, और इसको निकालते हैं तो इसको निकालते हैं दोस्तों पन्नी में रखा मिल जाता है। इसके लिए पैकिंग की बात करो तो काफ़ी सही से पैकिंग के साथ अवल रैप वगैरह के साथ आया था, तो पैकिंग के में कोई दिक्कत नहीं है। तो यह दोस्तों वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जो काफ़ी सही है। इसके साथ दोस्तों ऑक्स केबल वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन USB चार्जिंग केबल वगैरह मिल जाता है, जो मैंने अभी यहीं पर साइड वगैरह में रख दिया है। तो यह दोस्तों सोलर चार्जिंग वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्कुलिटी की बात करो तो कलर तो देख पा रहे हो, फुल्ली मेट में लेकर बिस्ले अपने पर्सनली देख पा रहे हो, जहाँ पे आपको रियूनिक्स की ऑरेंज कलर ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको स्टील बैंड वगैरह दिया गया है। प्लास्टिक बिल्कुलिटी बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्कुलिटी काफ़ी लाइट वेट है, इसके लिए काफ़ी चीपर है। अगर एक बार गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर एक बार आपके हाथ से टूट के छूट कर गिर गया 200% इसके पर खर्चे उड़ जाने वाला है, इसलिए इसमें स्ट्रैप दिया गया जिसको इसको लगा के रीयूज कर सकते हैं ताकि टूटने के चांसेस ज़्यादा से कम हो पाए। और इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, 3-4 कलर मिल जाता है, तो लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ जाकर चेक वगैरह कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जैसे पता सिंगल 5 वोल्ट आउटपुट स्पीकर वगैरह दिया गया है, और नीचे इसके लिए यहाँ पैडिंग के लिए दिया गया, तो आसानी से पैडिंग वगैरह कर सकते हैं। इधर की बात करूँ दोस्तों तो इधर LED लाइट दिया गया है, सिंगल आउटपुट LED लाइट है, जहाँ पे आपको यहाँ से इसको वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके लिए डेडिकेट बटन है, यहाँ पे को माइनस प्लस बटन दिया गया है, मोड बटन दिया गया, तो बिल्टिन FM है तो उसे भी एनेबल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे एंटीना वगैरह दिया गया, तो देख सकते हैं एंटीना काफी देखने में, इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया, ओल्ड मॉडल वगैरह होता है ना स्पीकर वगैरह, उस तरीके से डिजाइन किया गया, तो काफी देखने में थोड़ा एंटी वगैरह देखने में लग रहा है। जहाँ पे आपको सोलर चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, तो इससे सोलर चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हो। सोलर चार्जिंग दोस्तों इस टाइम पे भी हो रहा है, इंडोर में भी सोलर चार्जिंग होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होता है, इसका फायदा होता है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, रख रखा है अपने घर में, तो अपने आप चार्जिंग होता रहेगा, बाहर ले जाने की झंझट नहीं है। इधर आपको बात करूँ तो USB के पोर्ट वगैरह दिया गया, जिससे इसको 5 वोल्ट DC चार्ज कर सकते हैं। पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, ऑक्स केबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो सारे पोर्ट्स एंड बटन वगैरह मिल जाएगा, तो सारे कंट्रोल्स यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इसमें 2 मोड बटन दिया गया, जैसे लाइट का बता दूँ तो इसमें 2 आउटपुट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, स्पीकर ऑन रहेगा तब ये वर्किंग करने वाला है, जब तक स्पीकर ऑन नहीं करेंगे यहाँ से ये लाइट वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी, कभी स्पीकर यूज नहीं करना, लाइट यूज करना तो यूज नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब बात करूँ उसके फीचर्स की, तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो एक बार इसको अगर USB केबल से चार्ज वगैरह करते हो तो 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगेगा, लेकिन आप अगर सोलर से चार्ज वगैरह करते हो तो इसमें आपको इंडोर में चार्ज करते हैं जैसे इस टाइम पे चार्ज हो रहा, तो 16-17 घंटे के आसपास लगेगा। लेकिन आप अगर धूप वगैरह में ले जाएंगे तो 2-3 घंटे कम हो जाएगा, 12-13 घंटे के आसपास हो जाएगा। लेकिन इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, क्योंकि सोलर का एरिया काफ़ी कम होता है और इतना हाईटेक होता नहीं है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी अगर वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर वगैरह परचेज कर रहे हैं, कोई भी जैसे सोलर से चार्ज होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम देखने के लिए लगता है, ज़्यादा टाइम चार्ज करने में लगेगा। लेकिन एक बार फुल चार्ज वगैरह कर लेंगे तो यूज करने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटिंग है, 3 घंटे का आसपास बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो मैं उम्मीद कर रहा था 14-15 घंटे का आसपास मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3 घंटे के अंदर अंदर ही बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी की, तो B2 5.0 का दिया गया, जो इसके लिए 10 मीटर का रेंज वगैरह
वगैरह मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 मीटर दूर में जाते हैं, इंडोर में तो सही से काम करता है, लेकिन आउटडोर वगैरह में जाते हैं तो कनेक्ट डिसकनेक्ट वगैरह हो जाता है कभी कभार, लेकिन आप पास में रख के सुनेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कनेक्ट वगैरह अच्छे से हो जाएगा, कनेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें दोस्तों बिल्ट इन माइक नहीं है तो आप इससे कॉलिंग वगैरह नहीं ले सकते। अब बात करो दोस्तों स्पीकर का आउटपुट वगैरह की साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको दोस्तों 5 वाट का सिंगल आउटपुट स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे आपको बेस के लिए स्किल दिया गया है, तो इसमें आपको दोस्तों 90 डेसिबल का स्किल आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आइडिया लगा पाएंगे कि इसकी लाउडनेस वगैरह कितना ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब साउंड की क्वालिटी वगैरह बात करो दोस्तों, तो बेस वगैरह तो सही मिल जाएगा। चलिए बेस की साउंड की क्वालिटी की बात कर ही रहा हूँ, थोड़ा साउंड की क्वालिटी आपको सुनाता हूँ। चलिए फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आप बेस साउंड की क्वालिटी जज वगैरह कर पाएंगे। मैं पर्सनली बात करूँ साउंड की क्वालिटी की दोस्तों, तो लाउडनेस के मामले में तो कोई शिकायत नहीं, लाउडनेस काफ़ी अच्छे लेवल में मिल जाएगा, बेस भी काफ़ी अच्छे लेवल पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे, लेकिन बेस की क्वालिटी उतनी खास वगैरह नहीं मिलेगी देखने के लिए। साउंड की क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो साउंड की क्वालिटी प्राइजिंग के हिसाब से दोस्तों साउंड की क्वालिटी थोड़ी फटती है, अगर फुल पे रख के सुनते गाने वगैरह फुल वॉल्यूम पे तो फटेगी थोड़ी, ये कम करके रखेंगे तो नहीं फटेगी, ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मुझे मिली। साउंड की क्वालिटी की बात करूँ तो प्राइजिंग के हिसाब से तो उतनी कुछ खास साउंड क्वालिटी नहीं मिलती, क्योंकि प्राइजिंग इसकी 900 रुपये के आसपास है, प्राइजिंग के हिसाब से और भी बेहतर हो सकती थी साउंड की क्वालिटी, मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि साउंड की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, लेकिन उस हिसाब से साउंड की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसे आपको सोलर चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, FM का ऑप्शन मिल जाता है, तो सब में मिलता है, तो ये चीज़ें दोस्तों इस प्राइस में यही कोई भी ब्रांड नहीं दे पाती, तो ये ब्रांड दे रही है रेनिक्स, तो ये चीज़ें सही है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हो तो प्राइजिंग के हिसाब से ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, वारंटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो फुल सपोर्ट है, परचेज कर सकते हैं। साउंड की क्वालिटी के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता, साउंड की क्वालिटी की रेटिंग की बात करूँ 5 में से 2.5 रेटिंग वगैरह दूंगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी पुअर है, लेकिन जैसे बता ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो दूसरा ऑप्शन इस प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको जाकर परचेज कर सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतने, तब परचेज करना चाहेंगे तो लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत सारे वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर के अनबॉक्सिंग की, इसकी सोलर चार्जिंग स्पीकर की अनबॉक्सिंग वगैरह की है, रिव्यू वगैरह किया, उसका भी लिंक वगैरह दे दूंगा, वो सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसको परचेज करना चाहेंगे तो मैं रेकमेंड तो नहीं करता, लेकिन आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, तो लिंक वगैरह मिल जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए नहीं था, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, और उसका बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए। चलिए फिर दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।